हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.4। इसके पहले क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 देख चुके थे, आज देखेंगे 3 एंड 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ओके, वैल्यू दी गई है, क्वेश्चन ये वैल्यू दी गई है 4/5, 7/10, 8/15 एंड 17/30। ओके, क्वेश्चन क्या है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में हम लोगों को अरेंज करना है। ठीक है, इसलिए हम लोग फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, इसकी 5, 10, 15 एंड 30 की क्या निकालना है, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम 5, 10, 15, 13। ठीक है, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 5 6 जा 6 13। ठीक है, ये 1 1। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 के टेबल में 3 नहीं आता, इसे 3 जैसे जैसे के वैसा। ठीक है, और 2 3 जा 6। ओके, 1 का 1। ठीक है, 1 का 1, फिर 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। ठीक है, एलसीएम एलसीएम ऑफ 5, 10, 15, 13 इक्वल्स टू एलसीएम 5 × 2 × 3। ठीक है, 5 × 2 × 3, 5 × 2 10, 10 × 3 30। ठीक है, सो वी कन्वर्ट द फ्रैक्शन। ठीक है, 4/5, 7/10, 8/15 एंड 17/30 टू लाइक फ्रैक्शन विथ डिनोमिनेटर 30। ठीक है, हम लोगों ने इसकी एलसीएम निकाली। ठीक है, तो डिनोमिनेटर की एलसीएम कितनी आ गई, 30। ओके, अब देखिए 4/5 नाउ। ठीक है, 4/5, 5 को हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 आए 6 से। ठीक है, 5 को 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए 4 को भी 6 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 4 6 जा 24, 5 6 जा 30। ठीक है, क्योंकि एलसीएम हमारी 30 आई थी। ठीक है, 7/10, 10 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 में आएगा तो 3 से। ठीक है, इसलिए 7 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 7 3 जा 21, 10 3 जा 30। ओके, 8/15, 15 को हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 आएगा 2 से। ठीक है, 15 × 2, तो 8 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, 8 × 2। ठीक है, 8 2 जा 16, 15 2 जा 30। ठीक है, अब 30 को हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 आएगा 1 से। ठीक है, तो 30 1 जा 30, तो 17 को भी 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 17 1 जा 17। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों को पहल ठीक है सॉल्व करना है। ठीक है, और उसके बाद में आप देखना है कि सबसे पहले मतलब असेंडिंग ऑर्डर यानी कि चढ़ता क्रम। ठीक है, तो सबसे पहले छोटी संख्या। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सी वैल्यू आ जाएगी, 16/30। अब देखो इन सब का डिनोमिनेटर क्या है, सेम। ठीक है, तो हम लोगों को देखना है ये वाली वैल्यू। ठीक है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर की वैल्यू। ठीक है, सबसे पहले मतलब असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले छोटी वाली वैल्यू। ठीक है, तो 16/30। ठीक है, 17/30, 21/30, 24/30। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों को लिखना है। फिर इसकी जो सिक्सटी डिवाइडेड बाई थर्टी किस वैल्यू से मिला हम लोगों को, 8/15 से। तो 8/15 लेस देन 17/13, फिर लेस देन 7/10, लेस देन 4/5। इस प्रकार से आप लोगों को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ओके, बाकी क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।